अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ब्रदर, कैसी हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हैसी से होंगी। टी एस किचन वन मिलियन के साथ खुश आमदीद। तो आज हम आपके साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने वीडियो को आगाज़ कर सकें। तो हमने ले लिया रफान कस्टर्ड, अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। तो हमने 2 लीटर दूध ले लिया, उसको नीम गर्म कर लिया है और 2 अदद हमने इलायची उसमें ऐड कर दिए। तो दूध हमारा नीम गर्म हो चुका है, हमने हल्की फ्लेम पे चला दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी तकरीबन 500 ग्राम। तो ये हमारी चीनी जाएगी तकरीबन 500 ग्राम इसमें। इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो दूध हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए गर्म हो चुका है। अब हमने कस्टर्ड को मिक्स करना है। तकरीबन हमने 3 स्पून कस्टर्ड ले लिया पाउडर, इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म दूध और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अब ऐड करेंगे दूध में। हमने दूध में ऐड कर दिया कस्टर्ड को, अब हल्के हल्के से चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना था क्योंकि इसमें हमने खुशबूदार सेवइयां जो पहले ही हमने उनको उबाल कर रखा हुआ था ऐड करनी है। ये देखें, सेवइयों को हमने ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम, गिरी जो हमने बारीक बारीक कट कर लिए। तो कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना, बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको बनाया है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे फ्रूट केक्स। इसको डेकोरेट करते हैं इसके बर्तन में। इसमें ऐड करेंगे हम कस्टर्ड। हमने इस पे दूसरी तह भी लगा लेनी है इस तरह से। फिर इसमें ऐड करना है आपने कस्टर्ड। तो कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।